नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का धरना जो है लगातार चल रहा। आज इनको 43वां दिन है, कहे तो 43 डेज इनको हो चुके हैं धरने के। हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक हैं, आइए इनसे जानते हैं। हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक हैं जो कि आसाम से आए हैं। लगातार यहाँ पर हर रोज अलग अलग राज्यों से पूर्व सैनिक आ रहे हैं और धरने में अपना समर्थन दे रहे हैं। गुरदासपुर से आए हैं। देखिए, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आ रखे हैं। कुछ पंजाब से आए हैं, कुछ आसाम से आए हैं, कुछ कहे तो आसाम से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, कहे तो उत्तराखंड से आ रखे हैं यहाँ पर लोग पूर्व सैनिक। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो लगातार धरना चल रहा है, लेकिन सरकार के तरफ से कोई भी प्रतिनिधि इनसे कोई मिलने क्यों नहीं आ रहा है। सर, पहले आपको परिचय जानना चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन। मैं जी अपना नेक्स्ट सूबेदार रणजीत सिंह, अपना गुरदासपुर सोल गांव से आया हूँ, अपना गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का पंजाब। हमारा सरकार से यही निवेदन है कि देखो, आज 43वां दिन चल रहा है मेरे जो भी NCO हम JCO इकट्ठे हुए हैं, तो हमारी यही गुजारिश है सरकार से भी इनका जो भी है इनका मसला हल करें। इनको क्यों बेचारों को अभी इनकी किसी की 50 साल, किसी की 60 साल एज, इनको ना घसीटा जाए, तो इनकी मेहरबानी करके इनका जो है मसला हल किया जाए। हमारी तो यही सरकार से निवेदन है। लगातार सर आप लोग धरने पर बैठे हैं, कहें तो 3 अप्रैल को आप लोगों ने एक चेतावनी भी दी है सरकार के समक्ष कि आप लोग विशाल रूप में धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या लगता है, 43वां दिन आज हो चुका है, 3 अप्रैल को कुछ खास होगा तो क्या सरकार जागेगी, आप लोगों की सुनवाई होगी? सरकार को जागना चाहिए, क्योंकि ये सरकार भी तो इनके हमारे जो अभी हमारे भाई हैं उधर बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं, वही तो हमारे कोई बेटा है, कोई हमारा भाई है, वही तो हमारे अपने ही हैं। अभी उनके माँ बाप कोई उसका भरा बैठा हुआ है, तो हम उनके ही तो रिलेशन में हैं, तो इनको सरकार को करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। हमें उम्मीद है अभी सरकार जरूर करेगी। आपको उम्मीद है कि सरकार करेगी। देखिए, ORP, वन रैंक वन पेंशन, MSP की मांग को लेकर के लोग लगातार धरना कर रहे हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? हम आसाम से आए हैं, चरादेव डिस्ट्रिक्ट शिक्षागढ़। आपका नाम? और तिनसुकिया राजू दे। राजू दे जी, आप पूर्व सैनिक हैं, कहे तो जब किसान और सैनिक धरने पर उतर आता है, सड़कों पर उतर आता है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है सरकार का, उस देश की सरकार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है कि उसकी सेना और जवान किसान सड़कों पर है। सड़कों पर ये बहुत लज्जाजनक बात है, और हम डायरेक्ट यहाँ से इस क्या नाम है जंतर मंतर मन से बोल रहा हूँ, डायरेक्ट राजनाथ सिंह को बोल रहा हूँ हमने कि हमारा अपील सुने, आगे की कार्रवाई करे, हम लोग का मांग पूरा करे, यही चाहते हैं। हमारे साथ और भी लोग जुड़ चुके हैं, सर आपका परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार, मैं जगदीश पांडे, मैं उत्तराखंड से हूँ। मैं यहाँ पे, हमको उत्तराखंड की कमान मिली है अभी कल से, यहीं पे इस धरना प्रदर्शन में हमको मंच मिला है, तो कल से मैं यहाँ पे 16 तारीख तक जी 16 तारीख तक हमारा यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। लगता है कि सरकार मानेगी? जी जरूर, क्यों नहीं मानेगी, मतलब हमारी मांगे कोई किसी तरह का झूठ या किसी तरह का गलत नहीं है, जो मांगे हैं हमारी वो बिल्कुल तथ्यों के आधार पर है और बिल्कुल प्रैक्टिकल है। सर कहें तो ऑफिसर्स और जवान में जो चीजें हुई हैं, ऑफिसर की जो गलतियां रही उसका भुगतान कहीं ना कहीं जवान सड़कों पर बैठ के दे रहा है। जी ये सत्य है, गवर्नमेंट की तरफ से हम गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते, दोषी वो इतना ही है क्योंकि फाइनल साइन गवर्नमेंट के होते हैं, दोषी इसलिए है गवर्नमेंट। सरकार को जी और गवर्नमेंट कहीं गहराइयों में जाना चाहिए, जांच करनी चाहिए, बिल्कुल छानबीन करके इसको साइन करने चाहिए थे, अनाउंसमेंट तब करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आनंद फानंद में या ब्यूरोक्रेट्स या ऑफिसर्स की कोई इस तरह से गाइडलाइन उनको दी गई कि हमने सब कुछ कर दिया है, सब सही है, आप साइन करिए, या इस दबाव में जो है उन्होंने साइन किया है। बाकी बात यह है, गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ने फंड अलॉट नहीं किया ऐसा नहीं है, फंड गवर्नमेंट की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से भरपूर अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जिस जगह में जाना चाहिए उस जगह में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, वो अपर लेवल में ही 3% को ही सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 97% को
छोड़ दिया गया। ऑफिसर्स अपना दुख दिखा करके सारा जितना भी जवानों का बेनिफिट्स होता है वो खुद अपना अकेले ले गए। इस ये धरना प्रदर्शन पहले भी चला, जैसे कि जनरल साहब यहाँ बैठे थे, वो जवानों का कंधा यूज करके उन्होंने इसको प्रोटेस्ट किया और उसका फायदा सिर्फ ऑफिसर्स लेवल में गया, जवानों के लेवल को छोड़ दिया गया और उसमें सारे टेबल साइड कर दिए गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? मैं सरकार से इतनी अपील करना चाहता हूँ कि इतने दिन से हम यहाँ पे बैठे हैं भूखे धूप में और इस तरह से आंधी तूफान में, कृपया करके प्रधानमंत्री जरूर सुनेंगे, हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि वो इस चीज को शायद, हमें ये कुछ खबरें मिली हैं LIU की साइड से, सिक्योरिटी विभाग की तरफ से, कि वो जरूर इस पे कर रहे हैं, कुछ न कुछ छानबीन हो रही है और इसके ऊपर उनकी नजर है और इसका रिजल्ट जल्द से जल्द निकलेगा। कल हमारा पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा प्रदर्शन है और ज्ञापन सौंप रहे हैं हम डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में, पूर्व सैनिक सारे ही हर डिस्ट्रिक्ट में सौंप रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को भी आएगा, रक्षा मंत्री जी को भी आएगा, तो उसके बाद जरूर उस पे गौर होगा और उस पे सारी जितनी भी हमारी विसंगतियां हैं उसको दूर करी जाएंगी, ये मेरी आशा है। हमारे साथ और भी पूर्व सैनिक जुड़ चुके हैं, सर आपका परिचय। मैं एक्स इंडियन नेवी हूँ, राम लखन, और थ्रू आपके आवाज के, युवा आवाज के तरफ से मैं ये कन्वे करना चाहता हूँ कि कुछ बहुत ही बड़ा घोटाला हो गया है इस ORP 2 के अंदर और जिसका रिजल्ट सही नहीं है, और इतना बड़ा घोटाला देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी हमारे एक्सीलेंट प्रधानमंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर एक्सीलेंट हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी एक्सीलेंट है, ऐसे कैसे हो सकता है? इनके पास सरकारी तंत्र हैं, इंटेलिजेंस है, जो कि हम लोग इतने दिनों से यहाँ पर बैठे हैं और कोई संज्ञान नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग, ऐसे कैसे हो सकता है कि 3% जो ऑफिसर्स हैं दे हैव टेकन ऑल द बेनिफिट एंड जवान जो 97% है उनको कुछ भी, इतना संज्ञान तो होना चाहिए ना कि गवर्नमेंट ने सब कुछ फंडिंग अलाट किया पर डिस्ट्रीब्यूशन में इतना बड़ा धोखा जवानों के साथ, डिसेबिलिटी पेंशन, विधवा पेंशन। सरकार के समक्ष जो चीजें जानी चाहिए थी उसको कहीं ना कहीं छुपाया गया है, जो भी है गवर्नमेंट को तो जितना इंटेलिजेंस होता है सब हिडन कर दिया और चीजें में फोकस में आई नहीं। हम लोगों को तो, जवानों को कहाँ पता चलता है ये सब सारी चीजें, ये तो बाद में सब समझ में आया है, अब जवान भी अब पढ़े लिखे हैं एंड दे आर नोइंग दी द एक्चुअल थिंग्स हाउ इट हैपेंड। तो आप अपना दर्द दर्द है, दूसरे का दर्द कुछ नहीं, ये गलत हो गया है और उसको प्रधानमंत्री, जब इतने हमारे एक्सीलेंट प्रधानमंत्री हैं, फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है, वर्ल्ड के अंदर उनका डंका बज रहा है और इंडिया के अंदर क्या हो रहा है कुछ पते नहीं, मतलब हम ध्यान ही नहीं दे कि हमारे मतलब अंदर जवानों के साथ क्या हो रहा है। पूरी बैठेगी और इस पर कहीं अब वो कहीं तो जांच बैठते बैठते बहुत टाइम लगा, इसको इमीडिएटली दे शुड डू, इमीडिएटली दे शुड डू। सीएजी ने इस पे हाथ डाल दिया है और इस पे जांच स्टार्ट हो गई है, इसका रिजल्ट जल्द से जल्द मिलेगा, आना चाहिए। तो साफ तौर पे पूर्व सैनिकों का कहना है कि इस पे जांच जो है वो शुरू हो चुकी है और इसका रिजल्ट भी इन्हें देखने को मिलेगा। ये तो देखने वाला विषय होगा आगे का कि क्या होती है इस चीज पे, क्या संज्ञान लेती है सरकार। आप लोग तब तक खोज खबर को देखते रहिए, NSP न्यूज को देखते रहिए। नमस्कार।